तो यार कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अपग्रेड वन ऑफ द डिफेंडर कैरेक्टर्स एंड हम देखने वाले कि कितना स्ट्रॉन्ग है वो। नाउ आई एम गोइंग टू बी डूइंग अपग्रेडिंग। तो यार कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू बी अवेकनिंग आयरन फिस्ट द लिविंग वेपन। वेल मुझे पहले लग रहा था कि आई शुड गो फॉर डेयर डेविल, बट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स दैट वॉट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आई हैव, तो रिसोर्सेज में आई एम वेरी वेरी शॉर्ट ऑन TCP, लाइक आई हैव 1120 TCP, और उसके बाद गोल्ड की बात करें तो 17 मिलियन गोल्ड है। अब अगर मैं टीयर 3 करने जाता हूँ डेयर डेविल को, तो आई एम श्योर मैं रिसोर्सेज में शॉर्ट पड़ जाऊंगा डिस्पाइट हैविंग ऑल द बुक्स एंड CCF। द प्रॉब्लम इज गोल्ड एंड TCP, सो आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क इट फॉर द बिस्किट, सो आई एम गोइंग टू बी अवेकनिंग आयरन फिस्ट। तो आयरन फिस्ट का हमने पोटेंशियल रियलाइज कर लिया है, सो अभी हम उसे लेवल 70 कर लेंगे एंड देन वी विल टेक हिम टू अवेकनिंग। तो यहाँ पे हम एनहांस पोटेंशियल शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फ्यू स्टेजेस पे आई विल गो 100% बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क RNG। तो यहाँ पे अब हम नोवा रिचर्ड राइडर के बायोज यूज कर लेते हैं, फिर एक और बार एनहांस पोटेंशियल जाते हैं, यहाँ पे 1 मिलियन गोल्ड पूरा दे देते हैं, डजेंट मैटर। एंड देन इनविजिबल वुमेन, देर वी गो। अब एनहांस पोटेंशियल में आते हैं, यहाँ पे 1.5 मिलियन लगता है, सो आई डोंट वॉन्ट टू गिव दैट अमाउंट ऑफ रिसोर्स। तब हम 33% जाएंगे ऑन ईच स्टेज। ओके, एक ट्रिक है हमेशा 100% पोटेंशियल रियलाइज करने का, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट दैट, बट स्टिल कोई बात नहीं, लेट्स सी। ओके देर वी गो, नाइस, थोड़े से बायोस बचे हमारे, थोड़े से रिसोर्स बचे, ज़्यादा नहीं बचे। अब यहाँ पे ये दो लास्ट वाले जो एनहांस पोटेंशियल होते हैं सबसे ज़्यादा टफ होते हैं। आई होप दोनों में 33% में आ जाए, अगर आ जाएंगे तो बेटर रहेगा। आई थिंक आई विल गो 25, व्हाई नॉट। ओके सो व्हाई नॉट का बैंड बज गया। ओके 25, ओके देयर वी गो, नाइस, बहुत अच्छा है, अभी हम एकदम सही पेस पे जा रहे हैं। सो लेट्स कीप दिस स्ट्रीक गोइंग ऑन। हेला के बायोस यूज करते हैं, लेट्स यूज थॉर। आयरन फिस्ट का नहीं यूज करना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू अपग्रेड हिज गियर्स, आई मीन यूनिफॉर्म। तो आयरन फिस्ट के बायोस रहने देंगे। एंड दिस इज द लास्ट वन, आई होप। यहाँ पे अगर मैं मैक्स पे जाता हूँ तो 4 मिलियन, आई डोंट वॉन्ट टू गिव दैट अमाउंट ऑफ गोल्ड जस्ट फॉर हिज पोटेंशियल, सो आई विल गो अगेन विद 25%। काश 25% पे आ जाए इस बार, RNG प्लीज ब्लेस मी। 21, 22, 23, 24, 25, देर वी गो। ओके फेल, जीज, अब यहाँ पे एक और मिलियन गोल्ड लग जाएगा, तो आई होप इस वाले में आ जाए। 1, 2, 3, 4, 5, या दिस इज मोर देन एनफ, राइट। ओके आ भाई साहब, अब 3 मिलियन गोल्ड हो गए, 4 मिलियन पे ही चले जाना चाहिए था, नाउ आई एम कंसिडरिंग दैट। ओके भाई दर्द हुआ यार, लालच बुरी बला है भाई, लालच बुरी बला है भाई। 5 मिलियन गोल्ड लोगे, व्हाट द, सिक्स मिलियन गोल्ड, हाँ माय गॉड, अब मुझे बेहोशी लग रही है भाई, नहीं करना चाहिए था रिस्क भाई, लग गए यार रिसोर्स के, लग गए गोल्ड के, लग गए भाई हो। नो कमेंट्स, जाऊंगा यार, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट भाई, गए नहीं हो पाएगा अवेकन, नहीं हो पाएगा अवेकन। अरे भाई लालच बुरी बला है गाइस, देखो मत करना ठीक है बच्चों। ओके फाइनली, अभी भी वी आर वेरी शॉर्ट ऑन गोल्ड, आई डोंट थिंक हो पाएगा, बट लेट्स ट्राई। माई गॉड, RNG is a bitch, big bitch. ऊपर कोई कैरेक्टर्स के बायोस थे,
Okay, let's use this guy. Okay, so finally got him to level 70. Let's see, awaken कर पाते कि नहीं. Awaken करने पे 1 million gold है, right? Okay. You know what? First upgrade his gears, right? Let's upgrade his gears first. Okay, so let's start with the fourth gear. Fourth gear से शुरू करते हैं. 118 भाई. नहीं यार, anything above 10, below 10 is good. Okay. That's nice. 5. Okay. तो बहुत अच्छा गया ये वाला gear. शुरू के दो तो बहुत हाई थे, बट ठीक है. यहाँ पे 11 इंटू से स्टार्ट होगा. 10, ओके. 6, वेरी गुड. 27, 21, भाई देखो चक्कर आ रहा है यार. 7, 13, 1, वेरी गुड. 19, 18, oh my god. 1120 TCP for one gear, and I think TCP पे भी हम short हो जाएंगे. Jeez, oh my god, why RNG, why? By me. Okay, so there we go. Awaken कर लिया हमने. Alright. जबरदस्त था. नाउ हार्ट ऑफ शाओलाओ इज आर्स. ट्रांसेंड पोटेंशियल नहीं कर सकते हम बिकॉज गियर्स आर लो. एक और प्रॉब्लम है, आई हैव टू अपग्रेड हिज स्किल, तो आई नीड 2.6 million गोल्ड. सो या ठीक है, विल सी यू आफ्टर आई गेट हिज गियर्स 25, ट्रांसेंड पोटेंशियल एंड अवेकन करने के बाद आई कंटिन्यू दिस वीडियो. रियली वेरी सॉरी अबाउट दिस शिट ऑफ वीडियो, स्टार्ट ऑफ द वीडियो, बट आगे हम कंटिन्यू करेंगे ऑन अ लेटर डेट. आई बिलीव कल हम कर पाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली आरएनजी मेस्ड अस अप, हमारे प्लान्स को मेस कर दिया आरएनजी ने. सो या विल सी यू देयर. सेवरल डेज लेटर. टीसीपी यार मेरे साथ ना बहुत बुरा हुआ. 5 दिन से मैं वेट कर रहा था जस्ट टू गेट आयरन फिस्ट गियर फ्रॉम 23 to 25. रिकॉर्डिंग उस दिन बीच में मुझे रोकनी पड़ी, तो इट टुक मी 5 days टू गेट हिज गियर्स फ्रॉम 23 to 25. लाइक लिटरली RNG ने मुझे बैंग कर दिया, इट बैंग्ड मी. और इतना बुरा हुआ यार, क्या बोलू, मेरे 1500 से ज्यादा TCP लग गए, विच इज मोर देन TCP जो मैं एक्सपेक्ट किया था यार, मोर देन TCP जो मैंने आज तक की कैरेक्टर को दिए है, टू बी ऑनेस्ट, जस्ट फॉर देयर गॉड डैम गियर्स. तो RNG डेफिनेटली शुड बी इम्प्रूव्ड, एंड साथ ही साथ यार TCP के ड्रॉप्स भी इंक्रीज करने चाहिए. मैं बहुत बार बोलता हूँ, आई थिंक आई हैव टू नाउ सेंड अ मेल टू द डेव्स, बिकॉज अगर आप देखोगे यार, मेरे पास EOD is so much more than the TCP, which is literally a really very bad, to be honest, it's bad for the game itself. So definitely ne TCP ka drops increase karne chahiye. So yeah, but that's a topic for another day. Let's come to Iron Fist. Kahan pe hai hamara Iron Fist? So okay, now stomach kar liya humne. Yahan par team mein Iron Fist ko set kar lete. So you can see gears are 25, Urus kuch equip kiye hue hai, skills are almost all are capped. टाइप एनहांसमेंट में 4 है. आई एम स्टेज 9 पावर ऑफ एंग्री हल्क. CTP ऑफ डिस्ट्रक्शन विद अ ब्यूटीफुल 200 proc. यूनिफॉर्म इज दैट लेजेंडरी. तो ऑलमोस्ट मैंने सभी चीजें फुल्ली मैक्स आउट कर दी है आयरन फिस्ट के. तो लेट्स गो अहेड एंड गेट इस ट्रांसेंड पोटेंशियल, जिससे हमें स्टैट बम्प मिलता है जो कि टीयर 3 कैरेक्टर से मैच कर देता है इससे. तो 29,000 HP से वी स्काई रॉकेट टू 46,000 HP ऑलमोस्ट. अब वही एनर्जी अटैक 28.6 thousand से 41.5 thousand, विच इज इनसेन. लाइक कितना ज्यादा स्टैट बम्प है, इट्स ओवर 14,000, विच इज ग्रेट. और वही फिजिकल अटैक की बात करें तो ही इज नॉट अ फिजिकल टाइप डैमेज डीलिंग कैरेक्टर एनीमोर, बट आई वुड लाइक टू सी अगर मैं यूनिफॉर्म चेंज करता हूं तो क्या डैमेज डिफरेंस चेंज हो जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल फिजिकल अटैक एनर्जी अटैक में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज इसके बेस किट पे ही इज अ फिजिकल टाइप डैमेज डीलिंग कैरेक्टर, राइट? आई बिलीव ही वॉज फिजिकल टाइप डैमेज डीलिंग कैरेक्टर. नो, ओके, सो ही हैज ऑलवेज बीन एन एनर्जी टाइप डैमेज डीलिंग कैरेक्टर. वाओ, ये समथिंग न्यू. तो कॉम्बैट टाइप एनर्जी टाइप डैमेज बहुत ही रेयर देखने को मिलता है. सो ये आयरन फिस्ट के लिए सेम केस है. तो लेट्स गो अहेड, गिव आवर 100 अवेकनिंग क्रिस्टल, 200 मैंडेलेज एम फ्रैगमेंट एंड 500,000 गोल्ड एंड गेट हिज ट्रांसेंड पोटेंशियल. ऑलराइट, सो देयर वी गो, वी गॉट द स्टैट बम्प, साथ में लेवल एजेंट बैज एनहांस,
भी हो चुका है हमारा, अलायंस के साथ शेयर कर देते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिंग चल रही है यहाँ पे, एंड आई विल गेट द अचीवमेंट, शायद तक 300,000 गोल्ड मिलेगा, ओके देयर वी गो, एंड आयरन फिस्ट हो गया है ट्रांसेंड पोटेंशियल, फाइनली आई गॉट हिम, और ओके तो वी विल कलेक्ट दिस बॉक्स, देखते हैं इस पे क्या निकलता है हमारा, ऑब्वियसली कुछ बेकार रिवॉर्ड निकलेगा, ओके 50,000 गोल्ड बेकार रिवॉर्ड, और चलिए मैं मुझे एक और चेस्ट ओपन करना है तो इसे भी ओपन कर लेते हैं, वर्ल्ड बॉस इन्वेजन में मुझे लेजेंडरी चेस्ट मिला था, लेट्स सी आपके साथ क्या निकलते हैं, ओके तो 157 ल्यूक केज बायोस, दैट्स ग्रेट, ओके तो एक और बार बायोस आ सकते थे बट चलिए कोई नहीं, बाकी दो बेकार वाले चेस्ट को बाद में खोलेंगे हम, तो लेजेंडरी चेस्ट मैंने आपके साथ ओपन किया एंड वी गॉट आयरन फिस्ट टू ट्रांसेंड पोटेंशियल, तो अभी हम मेफिस्टो और नल दोनों के अगेंस्ट लेके जाएंगे आयरन फिस्ट को एंड देखेंगे डैमेज में कितना डिफरेंस होता है, पता चलेगा यार कि कितना डिफरेंस है डैमेज में, एंड इज आयरन फिस्ट रियली गुड, नाउ आई हैव सीन पीपल आस्किंग फॉर मून नाइट वर्सेज आयरन फिस्ट कंपेरिजन, टू बी ऑनेस्ट यार मुझे नहीं लगता इट इज अ फेयर कंपेरिजन, बिकॉज मून नाइट इज अ फिजिकल टाइप डैमेज डीलिंग कैरेक्टर, वहीं आयरन फिस्ट इज अ एनर्जी टाइप डैमेज डीलिंग कैरेक्टर, यस दे बोथ फॉल इन टू द कॉम्बैट कैटेगरी और सुपर हीरो भी है बट स्टिल इट इज नॉट अ फेयर कंपेरिजन, तो बिना किसी देरी के चलिए हम कॉन्टेंट में ले जाते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, तो डिटेल्स में जाएंगे, इज अ सुपर हीरो, डिफेंडर्स टैग है, हीलिंग है, साथ में ही ऑल्सो हैज द एजिलिटी टैग, कॉम्बैट ह्यूमन मेल, ट्रांसेंड पोटेंशियल हो चुका है, स्टैट्स की बात करें तो सभी स्टैट्स कैप्ड है, क्रिट रेट कैप नहीं है बट डोंट यू वरी ही हैज अ फ्रेंजी बफ ऑन हिज फिफ्थ स्किल जिससे 40% क्रिट रेट मिलता है, तो क्रिट रेट का भी ख्याल रखा गया है, सीटी पफ डिस्ट्रक्शन 200 प्रॉक के साथ, यूनिफॉर्म ऑप्शंस की भी एक बार बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म इफेक्ट में तो व्हेन एचपी इज बिलो 50% 30% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी और इनविंसिबल 5 सेकंड के लिए, तो सर्वाइवेबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर हम यूनिफॉर्म ऑप्शन की बात करें तो मेरे पास है निक फ्यूरी वाला यूनिफॉर्म ऑप्शन, विजन वाला नहीं है, शी हल्क वाला है, देन वेनम वाला नहीं है, वेनम वाला हो जाएगा कुछ दिन में, और यूनिफॉर्म अपग्रेड करते हो तो एपोकलिप्स मेसिहा कॉम्प्लेक्स है, तो टू बी ऑनेस्ट आपके पास 5 यूनिफॉर्म ऑप्शन, 5 में से 4 यूनिफॉर्म ऑप्शन तो इसके होने ही चाहिए, विच इज रेयर, हीरोइक, लेजेंडरी और मिथिक, 5-4 यूनिफॉर्म ऑप्शन होने चाहिए, विजन वाला नहीं भी है तो चलता है यार, 4 यूनिफॉर्म ऑप्शन एटलीस्ट सबके पास होने चाहिए, मेरे पास भी कुछ दिनों में हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आयरन फिस्ट हैज अपर हैंड देयर एज वेल, तो बिना किसी देरी के चले चलते कुछ कॉन्टेंट में ले जाते हैं, गेम प्ले में देख लेते हैं, एक्शन में, तो सबसे पहले नल में जाएंगे, वी विल टेक हिम एट स्टेज 5, आई थिंक स्टेज 5 इज अ डिसेंट कंपेरिजन, जहां पे हम टीम सेट कर लेते हैं, डीलर पे जाते हैं, आयरन फिस्ट को लगाते हैं, सपोर्ट में जाते हैं, सपोर्ट आई थिंक विल टेक सम सपोर्ट, चलिए ले लेते हैं यार क्या फर्क पड़ता है, ओके स्ट्राइकर्स में इन्हें ले लेते हैं, स्टेज 5 नल, यू नो व्हाट, अगर हम 2 सपोर्ट लेके जा रहे हैं तो स्टेज 9 पे जाएंगे हम, हमारे स्टैंडर्ड्स को थोड़ा इंप्रूव करेंगे हम, तो चलिए स्टेज 9 पे देखते हैं आयरन फिस्ट कैसा कमाल करके दिखाता है अगेंस्ट नल, नल्ला, ओके तो रोटेशन का ख्याल रखना पड़ेगा हमें, तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद 3 कैंसिल इनटू 5 और फिर 4-6 और फिर 5 करेंगे हम, देखिए बहुत ही जबरदस्त डैमेज है सीटीपी ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्रॉक के साथ, मजा आ गया, अब 4 यूज करेंगे फिर 5 में कैंसिल कर देंगे बीच में और फिर ड्रैगन आएंगे एंड डैमेज देखने को मिल जाएगा, ओके दिस इज ग्रेट, अभी तक तो मैच अच्छा जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग लाइक दिस लोल, ओके फिर से मुझे डैमेज प्रॉक चाहिए, डैंग इज गुड, जबरदस्त डैमेज है, दिस इज स्टेज 9 गाइस, कोई बच्चा स्टेज नहीं है ये, ओके लेट्स वेट फॉर देम टू कम एंड फिर 5th स्किल यूज करेंगे, एक्चुअली मुझे 6 कैंसल 4 कैंसल 5 करना चाहिए, तो रोटेशन में थोड़ा सा मैं गुफ अप कर दे रहा हूँ, उसके अलावा इसका रोटेशन तो बहुत ही सिंपल है, मिनिमलिस्टिक रोटेशन है, तो काफी आसानी से कोई भी कॉपी कर सकता है इसे, इजी टू प्ले और सर्वाइवेबिलिटी भी इनसेन है, ओके तो यहाँ पे मेरा डिस्ट्रक्शन प्रॉक नहीं आया, सो वी विल ट्राई टू गेट प्रॉक ऑन टाइम, तो एक्चुअली मैं वहां पे एंशियंट वन के सर्कल में रह सकता था उसके घेरे में, तो मैं बच जाता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एकदम सही रोटेशन यूज किया बट थोड़ी जल्दी कर दी क्योंकि ड्रैगन नहीं आया हमारा 4th स्किल वाला, तो थोड़ा सा मुझे सबर करना चाहिए था, रुको जरा सबर करो वाला, ओके तो प्रॉक एकदम लास्ट में एक्टिवेट हुआ, तो प्रॉक के डीएक्टिवेट होने का हम वेट करेंगे, अब हम यूज करेंगे स्किल को, कोऑप भी बीच में घुसा देंगे ताकि प्रॉक और टाइम पे आ जाए, बट एज यू कैन सी प्रॉक लास्ट में आया, तो प्रॉक के टाइमिंग गड़बड़ चल रही है थोड़ी सी, सो वी नीड टू सॉर्ट इट आउट, व्हाट आयरन फिस्ट स्विच कैसे हुआ, मैंने स्विच नहीं किया स्क्रीन ना यार, ओके लेट्स स्विच अगेन,
ओके, तो proc हमारा फोर्थ पे हो गया, तो वी विल लेट इट बी, क्योंकि डिस्ट्रक्शन है तो कैंसिल करने से इफेक्ट्स नहीं मिलते हैं. ओके, तो लेट्स रन. ओके proc, अब हम टाइम पे ले आएंगे. हेलो भाई साहब, इट्स टफ टू proc विद अ डिस्ट्रक्शन, गॉड डैम इट्स टफ. ओके देयर इज आवर proc, थोड़ा सा टाइमिंग सही हुआ, फिर से थोड़ा डिले करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा proc सही हो जाए. ओके proc सही हो गया, थैंक गॉड. ओके दिस इज स्टेज 9 गाइस, कोई आसान स्टेज नहीं है और ही इज सर्वाइविंग इट लाइक अ वेरी इजीली सर्वाइव कर रहा है. तो एक चीज तो पॉइंट मिलते हैं आयरन फिस्ट को सर्वाइवेबिलिटी के लिए एंड डिसेंट डैमेज के लिए. आई वोंट से दिस इज एन एंड गेम डैमेज, डेफिनेटली दूसरे कैरेक्टर्स बेटर डैमेज कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा डैमेज कहीं भी खराब नहीं है यार. दिस इज स्टेज 9 राइट, इट इज नॉट एट ऑल एन इजी स्टेज. एक बार देखते हैं, अगर हम पूरा का पूरा डैमेज अवेकनिंग पे छोड़ देते तो बेकार डैमेज है. ओके, तो यहाँ हम फंस गए, बट स्टिल गाइस स्टेज 9 मैंने कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया. आई थिंक मैं स्टेज 5 पे जाऊंगा तो बहुत ही आसानी से क्लियर कर देगा मेरे लिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफेंडर्स एलाइज का 60% ऑल अटैक बफ है, स्ट्राइकर्स भी कुछ खास नहीं है गाइस, ओनली इंक्रीज डैमेज अगेंस्ट सुपर विलन. ओके, तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं हम स्टेज 5 पे जाकर. आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम दिस गाय. आई थिंक मैंने proc सही से यूज किया, बट थोड़ा सा मैं लेट कर दिया proc को एक्टिवेट करने में. ओके, तो भाई proc. तो मैं वेट करूंगा proc के सही होने का. ओके, अब सही आ जाना चाहिए था proc, देयर वी गो, बट ड्रैगन नहीं आ पाया, थोड़ा सा डिले हो जा रहा हूं मैं, मिली सेकेंड्स के डिले हो रहे हैं. ओके, सो थर्ड स्किल के आने का वेट करूंगा अब मैं. थर्ड स्किल आएगा, सिक्स करेंगे हम, फिर फिफ्थ फोर्थ करके फिफ्थ में करेंगे, एंड आई थिंक आई कैंसिल द proc. गॉड डैम इट्स टफ. ओके, ये सही proc था, बट फिर से ड्रैगन नहीं आएगा, थोड़े से किल हम स्किप कर दे रहे ड्रैगन को. ओके, अब आना चाहिए, लेट्स सी. ओके, देयर वी गो, और proc भी एकदम सही था, पीछे रन करते थोड़ा सा. एक्चुअली मैं एंशिएंट वन के घेरे में रह सकता था, कुछ नहीं होता मुझे, बट मैं फट्टू हूं, लोल. ओके, आई थिंक दिस शुड बी ग्रेट. ओके, देयर वी गो, वाओ जबरदस्त. स्टेज 5 गाइस, स्टेज 5 भी कोई आसान स्टेज नहीं है, एंड ही इज डूइंग इट लाइक अ बॉस, ग्रेट, मजा आ गया, यही एक्सपेक्ट करते हैं हम आयरन फिस्ट से. ओके, वाओ, डेफिनेटली मून नाइट लेवल डैमेज तो है ही, बोलने वाली बात नहीं है. देयर वी गो, 1 minute and 40 seconds, ग्रेट, कोई कंप्लेंट्स नहीं है यार, CTP ऑफ डिस्ट्रक्शन है. डेफिनेटली मैं चेन हिट डैमेज नहीं दे रहा हूँ इसे, इग्नोर टारगेट्स डॉज रेट नहीं दे रहा हूँ, इग्नोर डॉज जो बोलते हैं हम, तो डेफिनेटली मैं काफी सारे स्टैट्स से इसे नहीं दे रहा हूँ बिकॉज मैंने डिस्ट्रक्शन दे दिया है. सो आप उस चीज को भी इनटू कंसीडरेशन दीजिए, राइट, बिकॉज आई डिडेंट वॉन्ट टू गिव हिम द बेस्ट इन स्लॉट CTP, मुझे देखना था थोड़े बेकार CTP के साथ कैसे कर पाता है अंडर हैंड CTP के साथ. तो डेफिनेटली मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया आयरन फिस्ट ने, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया. कितने सारे कैरेक्टर्स है जो डिस्ट्रक्शन के साथ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, नॉट क्वाइट, ज्यादा नहीं है, ठीक है. ओके, तो फोर्थ को मैंने जल्दी कैंसिल कर दिया, आदत से मजबूर. ओके, दिस शुड डू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज, एंड वी ब्रॉट हिम डाउन टू हिज नेक्स्ट फेज, ग्रेट. इसके बाद मेफिस्टो के अगेंस्ट भी जाएंगे, मेफिस्टो के अगेंस्ट देखेंगे क्या कर पाता है. डेफिनेटली मेफिस्टो के अगेंस्ट एक प्रॉब्लम होगी, वो है मेरे रेजिस्ट, बिकॉज मेरे रेजिस्ट बहुत कम है. ओके, तो ड्रैगन्स रह जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डैमेज हमें कम मिल रहा है जितना मिलना चाहिए उससे. अब शायद तक सही से आना चाहिए ड्रैगन भी, देयर वी गो. ओके, ड्रैगन के आने से डेफिनेटली आधा बार ज्यादा डैमेज देखने को मिल जाता है. यहाँ पे थोड़ा सा हम चीकी होने का कोशिश करेंगे, बट फायदा नहीं हुआ. बट आई थिंक रिवाइव हेल्थ HP इंक्रीज होना चाहिए इसका बाय हिज यूनिफॉर्म बोनस, राइट. ओके, सो ही डाइड, व्हाट द, ओ माय गॉड, बट यू सी
ही कैन डू इट। तो चलिए अब चलते हैं मेफिस्टो के अगेंस्ट। ओके, मेफिस्टो के अगेंस्ट आई थिंक वी विल गो एट स्टेज टू। स्टेज टू इज मोर देन इनफ। या आई थिंक दिस इज अ डिसेंट स्टेज फॉर आयरन फिस्ट टू गो ऑन। सपोर्ट के लिए लेट्स अगेन टेक द सेम सपोर्ट एंड स्ट्राइकर भी सेम लेके चलते हैं। चेंजेस नहीं करेंगे ज्यादा हम। कहां गए वो स्ट्राइकर्स? व्हाट? बिकॉज़ आई थिंक मैंने यहाँ पे दो स्ट्राइकर्स कल चेंज किए थे लाइव स्ट्रीम के दौरान, तो वही दो स्ट्राइकर्स यहाँ पे नहीं है। मैं वापस लगा देता हूँ, एक मिनट लगेगी। ओके, हेयर वी गो, दीज आर द स्ट्राइकर्स। तो चलिए लेके चलते अगेंस्ट मेफिस्टो। दिस इज द न्यू वर्ल्ड बॉस लेजेंड। कॉम्बैट टाइप है आयरन फिस्ट, तो डेफिनेटली डिसएडवांटेज में है आयरन फिस्ट अगेंस्ट मेफिस्टो। बट स्टिल लेट्स सी व्हाट वर्क कैन ही डू। मेफिस्टो स्विच करके चले जाता है कहीं और। बहुत ही बदमाश यार ये, बहुत बदमाश है मेफिस्टो। ओके, लेट्स सी कितना डैमेज। ओके, सो ही ब्रॉट हिम डाउन टू हिज नेक्स्ट फेज स्टेज टू पे। वाओ, इनसेन डैमेज यार, बिल्कुल भी खराब डैमेज नहीं है यार, बहुत जबरदस्त लगा मुझे डैमेज मेफिस्टो के अगेंस्ट। ओ भाई साहब, भाई रुको रुको जरा, गजब डैमेज यार। ओके, तो प्रॉक को सही टाइम पे लाने के लिए मुझे 4 को जल्दी कैंसिल करना पड़ा। बार्स आर मेल्टिंग, गॉड डैम। ओके, से आप स्टन हो गए। वाओ, ये मुझे बहुत खराब लगता है।
अपने लिमिट में रहने का रे भाई, यहाँ शायद मैं फंसूंगा। यस आई न्यू। अब वेट करेंगे हम उसके सर्कल फेजेस को हट जाने का। देयर वी गो, इनसेन डैमेज होना चाहिए, नेक्स्ट फेज शुरू हो जाना चाहिए। देयर वी गो बॉयज। ओके नेक्स्ट फेज नहीं शुरू हुआ एक्चुअली, दिस इज व्हाट डू यू कॉल हिज सेकेंडरी फेज, लोल। ओके अब शुरू होना चाहिए नेक्स्ट फेज, देयर वी गो। एंड फिर भी हमने काफी डैमेज ले लिया तो ओके, ही गॉट द हील, इनसेन, मजा आ गया। लेट्स वेट फॉर द प्रॉक, देयर वी गो, गजब डैमेज है बॉस। अब यहां पे अब इससे बचेंगे यार, इस बार ज्यादा चीकी नहीं होएंगे हम। ओके हेलो हेलो, स्टन हो गया यार, अब ठीक है। ओके भाई फोर्थ स्किल यूज ही नहीं हो रहा है यार, स्किल स्क्रीन रिस्पॉन्सिव नहीं है बिल्कुल भी, गॉड डैम। ओके हेलो माय प्रॉक, नहीं एक्टिवेट होगा, ठीक है। ओके अब यहां पे थोड़ा संभल के रहते हैं। यहाँ पे देखिएगा कोना में मैं जाऊंगा फिर भी ये डैमेज लेगा। ओके थोर डैमेज ले लेता है बट स्टिल चलिए कोई नहीं, अच्छा है। ऑलराइट देयर वी गो। ओके थोड़ा बच के रहते हैं यहाँ पे, अब ये काफी बदमाश हो जाएगा। ओके आई थिंक दिस शुड डू इट, दिस शुड डू इट। ओके नो इट डिडंट। ओके ही गॉट एनरेज्ड, अब रेज आउट बस्ट आएगा, बच के रहने का रे बाबा। ओके यहाँ पे अंदर गए हम वन पे, नाउ टू, नाउ थ्री। वैल्करी इज प्रीटी फास्ट तो इट इज ग्रेट अबाउट वैल्करी। ओके नेक्स्ट रोटेशन अवेकनिंग स्किल एंड गेम ओवर, राइट। अरे यार कितने फेजेस है इसके यार, रेज आउट बस पे ही जाते हैं अब, आई डोंट वॉन्ट टू मिस दिस रन। ओके डिड इट लाइक अ बॉस बेबी। ओके डनजो ब्रो, बहुत आसानी से आयरन फिस्ट क्लैप दैट मेफिस्टो एस। सो डेफिनेटली अगर आप सीटीपी ऑफ एनर्जी दोगे तो आप डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। पेनिट्रेशन आई डोंट थिंक कुछ काम आ रहा है इसके, बिकॉज ही ऑलरेडी हैव अ 50% पेनिट्रेशन फ्रॉम हिज स्किल, तो फिर सीटीपी ऑफ डिस्ट्रक्शन का पेनिट्रेशन काम नहीं आ रहा है। बेसिकली आई हैव अ क्रिट डैमेज गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी 200 प्रॉक ऑब्लिस्क हियर, तो डेफिनेटली आप भी इसका काफी अच्छे से फायदा उठा सकते हो। यू कैन गिव हिम एन ऑब्लिस्क एंड एक्सपेक्ट ग्रेट वर्क फ्रॉम हिम। एक्चुअली आई डिडंट वॉन्ट टू give him a CTP of energy because definitely CTP of energy is the coveted CTP now, क्योंकि Pierce आ चुका है गेम में उसके वजह से, so I didn't want to give it to Iron Fist but definitely he impressed me, और अभी भी मुझे काफी ज्यादा space है to give him more Urus, और काफी सारे 4-star Urus है तो उन्हें हम definitely improve कर सकते हैं in the future। Okay नहीं सभी 5-star है, my bad, तो we can definitely improve it, and stats आप देख सकते हैं सभी stats capped है, crit rate basically capped है, तो हम और energy attack apply कर सकते हैं इस पे। यूनिफॉर्म ऑप्शन भी दो ठो बचे हैं जिन्हें मैं अनलॉक कर सकता हूं, तो या लिमिट्स आर एंडलेस, इट इज लिमिटलेस। सो आपको दिख गया आयरन फिस्ट का पोटेंशियल, तो डेफिनेटली अगर आप अवेकन करना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली अवेकन हिम। मैंने मेफिस्टो के अगेंस्ट रन दिखाए, नल के अगेंस्ट रन दिखाए, व्हाट आर योर थॉट्स एंड ओपिनियन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलिए यार, वी आर वेरी क्लोज टू 5000 सब्सक्राइबर्स मेरे भाइयों, सब्सक्राइब करो यार। अनसब्सक्राइब कर देते हो बहुत लोग, बहुत ही नॉटी हो यार, दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। तो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, शाउट, बाय बाय, सायोनारा। गोकू सोंग गोकू।